सबके सामने अभिमन्यु ने किया प्यार का इजहार। मंजरी को मिली अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे। आरोही को अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। आरोही उस रिपोर्ट को छुपा लेती है और वो चाहती है कि इस रिपोर्ट को सबसे पहले अक्षरा पढ़े, अक्षरा को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इससे पहले कि आरोही अक्षरा को कुछ बताए, वो रिपोर्ट मिल जाती है मिम्मी को। मिम्मी आरोही को बोलती है कि इस रिपोर्ट के बारे में अक्षरा को फिलहाल कुछ मत बताओ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अक्षरा की जिंदगी में खुशियां आई है और अगर उसे इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा तो वो इस शादी को तोड़ देगी। आरोही मिम्मी की बात मान लेती है, उस रिपोर्ट को छुपा देती है। उसके बाद रूही और अभीर अक्षरा और अभिमन्यु से पूछते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वेल, यहाँ पर अक्षरा शर्माती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन अभिमन्यु सबके सामने ये बताता है कि वो अक्षरा से कितना प्यार करता है। वही घर वाले डिसाइड करते कि क्यों ना शादी से पहले अक्षरा और अभिमन्यु की एंगेजमेंट सेरेमनी की जाए। अब रिंग को ढूंढने के लिए मंजरी स्टोर रूम में जाती है, वहीं जहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखा हुआ है। आरोही को बहुत ज्यादा चिंता होती है तो आरोही उस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश करती है, बट एट द एंड होता कुछ यूं है कि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है मंजरी को। अब स्टेज पर अक्षरा और अभिमन्यु है जो इंतजार कर रही है मंजरी का। मंजरी के हाथ में एंगेजमेंट रिंग और प्रेगनेंसी रिपोर्ट दोनों ही है और मंजरी पहले प्रेगनेंसी रिपोर्ट को ओपन करती है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सच जानने के बाद क्या मंजरी तोड़ देगी इस सगाई को, क्या एक बार फिर से अलग हो जाएंगे अक्षरा और अभिमन्यु। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।